कौशल भाई मेरा गाड़ी धो दे रहे हैं। मैं धो दे रहा हूँ, गरीब आदमी। ऐसा हेलो एवरीवन, तो आज के इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ गाइस। तो आज नहीं, कल कल 6 फरवरी था। तो कल का दिन गाइस हमारे लिए बहुत दुखी का दिन था, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी हस्ती, क्वीन ऑफ मेलोडी एंड भारत रत्न से सम्मानित और संगीत के क्षेत्र में जिनका नाम सर्वोपरि है गाइस, लता मंगेशकर जी, कल हम सबके बीच नहीं रहे गए। इस कल वो हम सबको छोड़ के चली गई। तो उनके लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए मैं एक गाना ज़रूर गाऊंगा गाइस। उनका ही गाना, गाया हुआ गाना है, उसका मैं एक लाइन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। तो वो गाना कुछ इस तरीके से है, 2 पल की थी ये दिलों की दास्ता, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से बहुत इमोशनल गाना लगा मेरे को ये, तो जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। एंड बोलते हैं ना गाइस, एक बात है, लेजेंड नेवर डाई, और ये सही बात है, लेजेंड कभी नहीं मरते, अमर हैं वो, और उनका आवाज़ हम सबके बीच हमेशा के लिए अमर है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा गाइस। और अभी मैं फ़िलहाल तो आम पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, घर में कोई नहीं है, एंड मामी भी ऋतिक को लेकर के गई हैं तुलेश्वर भाई के घर, क्योंकि ऋतिक बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो तुलेश्वर भाई के घर बच्चे हैं, उनके साथ जाके थोड़ा सा शांत हो जाएगा, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा गए हैं बैंक, तो उनके साथ जाने के लिए वो रो रहा था। तो अभी अभी वो तुलेश्वर भाई के घर गए हैं मेरी मामी के साथ, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड जब वो कोई आ जाएगा घर में, तो मैं जो अपने मेरा जो बाइक है उसको सर्विस कराना था, तो मिशन चौक में जाऊँगा उसको सर्विस कराने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से सर्विस नहीं कराया हूँ अपने बाइक को, तो उसको सर्विस कराना था। तो मिशन चौक में दुकान है राहुल भाई का, वहाँ जाऊँगा मैं। तो अभी बैठा हुआ हूँ एंड वेट करता हूँ कब तक आते हैं। अगर नहीं आएंगे तो मैं घर को बंद करके भी जा सकता हूँ, देखते हैं, आधा घंटा वेट कर लेता हूँ गाइस। अभी मैं जा रहा था नहाने के लिए, और मेरी मामी और ऋतिक भी आ गए हैं तुलेश्वर भाई के घर से, फिर उसके बाद मैं अभी सर्विसिंग कराने के लिए अब जा सकता हूँ। तो अभी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अभी मैं लियो और सेरा को उनका खाना दे रहा था दोपहर का, एंड उस समय मैं एक चीज़ नोटिस ये किया हूँ कि ये जो सेरा है ना, यहाँ पे सेरा सेरा लियो को शायद काट दिया था थोड़ा सा, तो वहाँ पे उसका थोड़ा सा चोट लग गया था। तो यहाँ पे उसका आपको दिखाता हूँ, यहाँ उसके पीठ में मैं ये देखे दिख रहा होगा शायद आपको, यहाँ पे उसका मलहम लगा दिया हूँ। ये गाइस सेरा ना बहुत बदमाश है, उसको काट दिया है, तो उसका जख्म में थोड़ा सा दवाई दवा लगा दिया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, उसके बाद जाऊँगा गाड़ी का सर्विसिंग कराने के लिए। तो मैं नहा के रेडी हो गया गाइस, एंड अब जा रहा हूँ गाड़ी सर्विसिंग कराने के लिए। एंड बाइक जैसे ही निकाला हूँ, इधर देखिए ऋतिक यहाँ पे बोलता है मेरे को भी लेके चलिए, बैठाइए गाड़ी में, देखिए गाड़ी में बैठने के लिए कैसे कर रहा है। हेलो गाइस, नहीं बोलोगे तब तक नहीं बैठाऊंगा। तो गाइस इसको बैठाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे जानते ही हैं, घुमाना पड़ेगा इसको, उसके बाद ही जाने देगा मेरे को। जा रहा हूँ ना, बाय बाय। अब नहीं लेके जाऊँगा, अब बाद में, चलो बाय करो। अच्छा, अच्छे बच्चे की तरह बाय करो, बाय करो। चलो मैं जा रहा हूँ, चलो छोड़ो गाड़ी को। अरे यार जा उधर, जा बैठ जाना, जाओ उधर बैठ जाओ, नहीं बैठोगे, बाय करो। भागते हैं गाइस, अब इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं हूँ राहुल भाई के ऑटो गैरेज में, और राहुल भाई तो है नहीं, मेरा गाड़ी जो है वो प्रिंस सर्विस कर रहा है, एंड थोड़ा सा स्प्रिंग उसका ढीला हो गया था, तो स्प्रिंग कस रहा है। उसके बाद ये कैस्ट्रोल एक्टिव का मोबिल डालेगा, क्यों प्रिंस भाई? और राहुल भाई को कहाँ भेज दिया? बिहार गया है, आएगा कब वो? आएगा नहीं पता मेरे, कितना कब आएगा, शादी करके ऐसे शादी उदी में गया है। तो ठीक है, राहुल भाई तो है, मेरी प्रिंस ही रिपेयर कर रहे हैं मेरा, और बुलवाऊंगा भी इसको, प्रिंस को भी मेरा गाड़ी। गाइस मेरा गाड़ी हो गया अभी सर्विस पूरा कंप्लीट इसका, और कौशल भाई अभी आए थे इधर से, तो कौशल भाई मेरा गाड़ी धो दे रहे हैं। मैं धो दे रहा हूँ, गरीब आदमी। ऐसा क्या,
अरे यार मेरे ऊपर तो मत मार। तो अभी कौशल भाई और मैं अपना गाड़ी धो रहे हैं। अरे यार कौशल ये तो कपड़ा पूरा लाल हो गया भाई। कुछ नहीं होगा, कलर छोड़ रहा है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब कौशल कहाँ रहता है यार, आजकल दिखाई नहीं देता है। मेरे को तो नहीं दिखता है, तू कहाँ रोज रहता है, दुकान नहीं खोलते हो? दुकान नया दुकान, नया दुकान ऐसा सही बात है, अपना काम खुद करना चाहिए, कैसे है कि नहीं कौशल? चिल्ला है, मालिक भी रहता तो इन लोग मेरे को हाथ बटाना थोड़ी पड़ता। तो मैं अपना बाइक सर्विस करा के आ चुका हूँ गाइस, एंड गाड़ी सर्विस होने के बाद एकदम मक्खन की तरह चल रहा है। यहाँ पे मेरा बाइक एकदम धुला भी लिया हूँ एकदम चकाचक। तो गाइस गाड़ी अब लग रहा है थोड़ा सा मज़ेदार, बहुत दिन से लगता है कि मेरे मौसा जी सर्विस नहीं कराए थे गाड़ी को, लेकिन अब अच्छे से चल रहा है। एंड अभी मैं घर में आ चुका हूँ एंड चलता हूँ अब अपना वीडियो एडिट थोड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा पिछला वीडियो मैंने एडिट नहीं किया है, तभी एडिटिंग का काम उसका बचा था तो उसको कंप्लीट करता हूँ। वीडियो भी अपलोड करना है अभी मेरे को गाइस। अभी हो रहे हैं शाम के 5 एंड अभी मैं जा रहा हूँ हेमंत भाई के घर अपना वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे मोबाइल का जो आज का डेटा था वो मैंने ख़त्म कर लिया है। तो अभी मेरे को वीडियो अपलोड करना है क्योंकि शाम के 6:30 बजे मेरा वीडियो को पब्लिश करना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ हेमंत के घर एंड जल्दी से चलते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हेमंत भाई कौन है यार, कभी तो मिलवाया नहीं है। तो हेमंत भाई करते रहता है, अगर वो घर में होगा गाइस तो मैं आपको हेमंत भाई से ज़रूर मिलाऊंगा। तो चलते हैं हेमंत भाई के घर। तो गाइस अभी मैं हूँ शर्मा जी के दुकान में, और शर्मा जी के दुकान में इसलिए आया हूँ क्योंकि विक्की, मैं जैसे हेमंत के यहाँ था तो विक्की फ़ोन किया, तो मैं हड़बड़ में वीडियो अपलोड किया और सीधा शर्मा जी के दुकान में आकर विक्की का मोबाइल रिचार्ज करा के, बोलता है जा भाई जल्दी से रिचार्ज करा दे। तो मैं शर्मा जी के दुकान में भी आया हूँ और आपसे हेमंत को मिलवाने के लिए भूल गया गाइस, अभी मेरे को याद आ रहा है। एंड फिर कभी हेमंत भाई से मिलाएंगे। और इधर है शर्मा जी एंड ये हम लोग का मोबाइल रिचार्ज करते हैं। और शर्मा जी हाल चाल कैसा है आपका? ठीक बढ़िया है। तो अभी विक्की के लिए विक्की का मोबाइल रिचार्ज कराता हूँ, नहीं तो अभी फिर फ़ोन लगाएगा और फिर मेरे को बोलेगा रिचार्ज किया कि नहीं किया भाई। तो कराते हैं कौन सा सिम, जियो